दोस्तों आज की वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा शानदार, जानदार और जिंदाबाद, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ डाइट प्लान। जी हाँ दोस्तों, यदि आप मार्शल आर्ट कराटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको डाइट क्या क्या लेना है, मतलब खाने में क्या क्या लेना है जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहे और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और दोस्तों आपको किन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों लगभग मैंने 6 से 7 साल ट्रेनिंग ली है और 4 से 5 साल मुझे सिखाते हुए हो गए, मतलब 8 से 10 साल का मुझे नॉलेज है, मुझे ज्ञान है, उस एक्सपीरियंस जो मुझे एक्सपीरियंस है उस बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ, और जो मैं क्लास में मेरे बच्चों को बताता हूँ भाई आपको ये डाइट लेना, और ये जो डाइट मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं अभी फॉलो करता हूँ, जो आप डाइट बता रहा हूँ ना वो मैं अभी आज भी फॉलो करता हूँ और बच्चों को भी बताता हूँ, वो ही मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि आपको डाइट में क्या क्या लेना है। दोस्तों जो देसी चने जो होते हैं, काले चने, आपको देसी चने लेना है, मूंग की दाल लेना, मूंगफली मतलब जो फली दाने होते हैं, और किशमिश, इन चारों चीज़ों को लेना है, और अच्छे से सोने से पहले आपको साफ पानी मतलब रात को साफ पानी में इनको भिगो देना है, और उसके बाद क्या करना है, रात भर इनका वेट करना, और सुबह जब भी आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं तो सोने मतलब प्रैक्टिस से पहले आपको क्या करना है, 2 केले खाना है, और 2 केले खाकर आप प्रैक्टिस करने जा सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस से लौट कर आएंगे तो आपने जो रात के समय जो काले चने और जो 4 चीज़ जो भिगोई थी उनको अच्छे से चबा चबा कर खाना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना, चबा चबा कर खाना। उसके बाद आपको क्या करना है, 10 से 15 मिनट का रेस्ट लेना है, और उसके बाद आप 1 गिलास दूध का सेवन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जब 10-11 बजे जब भी आप खाना खाएं तो आपको खाने में क्या करना है, ज़्यादा आपको सलाद का उपयोग करना। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सलाद का यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी और आप अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर जब शाम के समय जब भी आप प्रैक्टिस करने के लिए जाएं तो 2 केले खाकर जाएं, जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी और आप अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही रात हो जाती है आपको क्या करना है, 2 अंजीर लेना है, और दूध में क्या करना है, मिलाना है, गर्म करना है, अच्छे से एकदम दूध को खोला लेना है। उसके बाद फिर दूध जब तक ठंडा ना हो जाए जब तक आपको उसका सेवन नहीं करना बिल्कुल, एकदम जब आप सोने से पहले मतलब सोने जा रहे हो उसी समय पर आपको क्या करना है, वो जो 2 अंजीर आपने दूध में जो गर्म की थी उनको खाना है आपको और दूध को पी लेना, उसके बाद आपको सो जाना। ये तो हो गई आपकी डाइट प्लान। अब दोस्तों यदि आप मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना। दोस्तों जो तेल से तली हुई चीज़ें रहती है, जैसे मान लो पूड़ी, मतलब ज़्यादा आपको तेल का उपयोग करना ही नहीं, मतलब आपको कचौड़ी नहीं खाना है, आपको समोसा नहीं खाना है, आपको जलेबी नहीं खाना है, आपको फुल्की नहीं खाना है, इन सारी चीज़ों का आपको उपयोग नहीं करना, आपको गुटखा भी नहीं खाना है, आपको बीड़ी भी नहीं पीना है, और भाँस चल के फिर आप यदि इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो इन चीज़ों का सेवन आप आज से ही छोड़ दें, इन सारी चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है यदि आप मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं तो। दोस्तों यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों 8 से 10 साल का मुझे जो नॉलेज है मैं उस नॉलेज के बेस पर आपको डाइट बता रहा हूँ और इन सारी चीज़ों को छोड़ने को बोल रहा हूँ। यदि आप अच्छे मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो हमारे इस डाइट प्लान को आप ज़रूर फॉलो करें, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा।